अस्सलाम वालेकुम। फ्रांस के अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुस्ताखाना खाके शाया किए गए, जिसके बाद पूरी दुनिया के मुसलमानों ने ना सिर्फ एहतजाज किया बल्कि इसकी पुरजोर मजम्मत भी की है। और इस वक्त दुनिया भर के जितने भी इस्लामी ममालिक हैं उनके अंदर अवाम की जानिब से ट्रेंड्स गर्दिश कर रहे हैं कि जिनमें कहा जा रहा है कि वो फ्रांस की जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं उनका बाइकआउट किया जाए। पूरी दुनिया के मुसलमानों की ख्वाहिश है कि वो कम अज़ कम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी के ऊपर मुत्तहिद हो जाएँ। और पूरी दुनिया के मुसलमानों की ये भी ख्वाहिश थी कि जो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा मुकद्दस समझा जाता है सऊदी अरब, उस मुल्क की हुकूमत या उस मुल्क के बाशिंदे भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत के लिए मैदान में आएँ। और पूरी दुनिया के मुसलमान ये इंतज़ार कर रहे थे कि कब सऊदी अरब इस हवाले से अपना बयान जारी करता है या फ्रांस के साथ मजम्मत करता है। तो अब सऊदी अरब की जानिब से, सऊदी अरब वजारत खारजा की जानिब से, सऊदी अरब की वजारत खारजा की जानिब से कहा गया है कि आज़ादी राय, रवादारी, अमन और एहतराम किसी भी मुआशरे, किसी भी इलाके के अमन के लिए, किसी भी खित्ते के अमन के लिए इंतहाई ज़रूरी होते हैं। और फ्रांस की हुकूमत ने जो कुछ किया है वो अमन को सबोताज करने के लिए काफ़ी है, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी दुनिया का कोई मुसलमान बर्दाश्त नहीं करता। और सऊदी अरब की जो खामोशी रही है उसके ऊपर भी दुनिया भर के जो मुसलमान हैं उनमें शदीद बेचैनी और परेशानी पाई जा रही थी, मगर अब वो परेशानी ख़त्म हो चुकी है। बल्कि अब तो पूरी दुनिया के मुसलमानों को मज़ीद हौसला भी मिला है कि सऊदी अरब जैसा मुल्क भी मैदान में आ गया है और फ्रांस से जवाब तलब कर रहा है। अब जिस तरह सऊदी अरब सामने आया है, मुत्तहिदा अरब अमारात सामने आया है, ईरान सामने आया है, पाकिस्तान सामने आया है, तुर्की सामने आया है, कतर सामने आया है, कुवैत आया है, ये मुत्तहिदा अरब अमारात ये ममालिक सामने आए हैं और इन्होंने फ्रांस के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनके बाइकआउट का ऐलान किया है। तो इसी तरह जो बाकी इस्लामी रियासतें रह गई हैं, जो बाकी इस्लामी ममालिक रह गए हैं, उनके सरबराहों को भी चाहिए होगा कि वो भी खुलकर मैदान में आए और जितने भी मुसलमान ममालिक हैं वो मुत्तहिद होकर फ्रांस का बाइकआउट करने का ना सिर्फ ऐलान करें बल्कि जितने भी फ्रांस के साथ वायदे किए हुए हैं उन सबको ख़त्म करने के लिए भी अपना किरदार अदा करें। क्योंकि नाज़रीन, क्योंकि हर मुल्क को, हर मुल्क का जो वज़ीर आज़म होता है, सदर होता है या कोई भी रहबर या हुक्मरान होता है, उसको अपना मुल्क सबसे ज़्यादा अजीज होता है। मगर ये भी एक हकीकत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो अजमत है, जो उनका मकाम है, वो किसी भी मुल्क से हमें प्यारा है, वो किसी भी हकूमत से हमें प्यारा है और पूरी दुनिया के मुसलमानों का इस बात पर इत्तफाक है। इसलिए अब मुल्की मफादात को छोड़कर अगर सारी इस्लामी रियासतें मिल जाती हैं, अगर ये मुत्तहिद हो जाती हैं और फ्रांस के ख़िलाफ़ एहतजाज करती हैं, उसका बाइकआउट करती हैं, तो यकीन जानिए इंतहाई कम वक्त के अंदर फ्रांस ना सिर्फ अपने अंजाम तक पहुंच जाएगा बल्कि मुआशी तौर पर भी फ्रांस को इतना शदीद नुकसान पहुंचेगा कि जिसके बारे में शायद उसने कभी सोचा ही नहीं है। अल्लाह ताला हम सबको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस की हिफाजत करने की तौफीक अता फरमाए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी करने वालों से दूर जाने और उनके साथ निपटने की ताकत भी अता फरमाए।